हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा है कि मारुति सुजुकी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2025 के बाद ही लॉन्च करेगी, क्योंकि इस समय उनकी इतनी डिमांड नहीं है। जब मारुति सुजुकी इस बिजनेस में आएगी तो उनका एम होगा कि एक महीने में 10,000 यूनिट्स उनकी बिके। इसके साथ ही आरसी भार्गव ने ये कहा है कि इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइस कितनी होगी इसका प्रेडिक्शन करना सही नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक क्या टैक्सेस होंगे या फिर क्या प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, इन सब पर उसका प्राइस डिपेंड करेगा। देश का सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम का 18,300 करोड़ का आईपीओ 8 नवंबर को पब्लिक होने वाला है। इसकी जो प्राइस बैंड है वो पेटीएम ने फिक्स कर दी है, 2,080 रुपए से लेके 2,150 रुपए तक का एक शेयर इनका होगा। ब्लूमबर्ग की वेडनेसडे की रिपोर्ट के अनुसार जेफ बेजोस और इलॉन मस्क, यानी कि दुनिया के दो सबसे अमीर बिजनेसमैन की जो नेटवर्थ है वो $500 ट्रिलियन के बराबर है। जी हाँ, इनकी नेटवर्थ $500 बिलियन है दोनों की मिला के। नायका का 5,350 करोड़ का आईपीओ आज पब्लिक हुआ है और ओपनिंग के एक घंटे के अंदर ही अंदर इनका जो रिटेल स्टॉक है वो कम्प्लीटली बुक हो चुका है। नायका के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है ये। टेस्ला का जो फुल सेल्फ ड्राइविंग बीटा वर्जन था वो इस समय रोल आउट कर लिया गया है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में कुछ बग्स आए हैं। मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनसे ये पता चला है कि जो टेस्ला का ये फीचर है ये डेंजरस की आगे डेंजरस की वार्निंग दे देता है, जबकि ऐसा कुछ डेंजर होता ही नहीं है। तो ये बग है, ये फिक्स होगा तब ये फीचर लॉन्च किया जाएगा दोबारा। यूरोपियन मंथली सेल्स में टॉप करने वाली पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला की मॉडल 3 बन गई है। सितंबर के महीने में 24,600 गाड़ियां टेस्ला की मॉडल 3 की बिकी हैं। सितंबर क्वार्टर में माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रॉफिट है वो 48% बढ़ा और $20.5 बिलियन पर है इस समय। हमने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि इलॉन मस्क ने कहा है कि कैलिफोर्निया उनके एम्प्लॉयज के लिए काफी महंगा पड़ रहा है, इसलिए वो अपने हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया से टेक्सास शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर जो कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, और उनके साथ साथ जो मस्क की टीम है उन्हें भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि मस्क इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के प्राइस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, स्थिर रहने की तो बात ही नहीं है, कम हो ही नहीं रहे हैं, लेकिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर नितिन गडकरी ने बयान दिया है, उन्होंने बताया कि भारत सरकार 8,00,000 करोड़ खर्च कर रही है डीजल पेट्रोल के इम्पोर्ट्स में। उनका कहना है कि अगर यूटिलाइजेशन इसी तरह चलता रहा जैसे जिस रेट से अभी है तो आगे के 5 साल में ये जो आंकड़ा ये 25,00,000 करोड़ तक हो जाएगा। उन्होंने लोगों से अर्ज किया कि वो अल्टरनेट फ्यूल्स पर रिलाय करने लगे। आप हमें इस बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इलॉन मस्क ने कहा है कि उन्होंने डोज कॉइन को सपोर्ट करना इसलिए सही समझा कि वो एक पीपल्स कॉइन जैसा लगता है। उनका कहना है कि टेस्ला और स्पेसएक्स में उनके जो इम्प्लॉयज हैं जो इतने बड़े कोई टेक्नोलॉजिकल जायंट्स नहीं है या फाइनेंशियल जायंट्स नहीं है, वो भी डोज ओन करते हैं, तो उन्हें लगा ये पीपल्स कॉइन है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिली उन्हें डोज कॉइन से, इसीलिए वो इसे सपोर्ट करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं और क्यों। स्नैपडील का 3,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है, इसका प्रपोजल डाल दिया गया है। इस आईपीओ के आने के पहले स्नैपडील ने 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हायर किया है। जैसे कि आपको पता ही है कि दुनिया भर में चिप शॉर्टेज चल रही है, इस चिप शॉर्टेज के बीच में जैगुआर लैंड रोवर ने अपना जो प्रोडक्शन कट है वो एक्सटेंड कर दिया अगले क्वार्टर तक। इससे उनका रेवेन्यू लॉस 3,000 करोड़ रुपए तक होगा, लेकिन शायद इस समय यही सही है करना। AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया है कि अगले साल मार्च के एंड तक सरकार 13 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर देगी। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप नेशनलाइजेशन में बिलीव रखते हैं या फिर प्राइवेटाइजेशन में और क्यों। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हर्ट्ज कंपनी ने 1,00,000 टेस्ला कार्स बुक की हैं। इस पर इलॉन मस्क ने कहा है कि हर्ट्ज कंपनी को 1,00,000 टेस्ला कार्स उसी रेट पर दी गई है जितनी बाकी उनके कंज्यूमर्स को या फिर कस्टमर्स को दी जाएंगी।
रूटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार टेस्ला, सैमसंग और एलजी को पिच कर रही है लोकल बैटरी प्रोडक्शन के लिए। अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी भारत के लिए। जोमैटो का आईपीओ जुलाई में आया था और ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था क्योंकि पहली बार इंडिया में कोई स्टार्टअप पब्लिक हुआ था। इस पर जोमैटो के सीईओ दीपेंदर गोयल ने बताया है कि दरअसल जोमैटो के पास सिर्फ 6 महीने का कैश बचा था और इसी आनंद फानन में उन्होंने आईपीओ निकाला। दरअसल कोविड की जो फर्स्ट वेव थी उसमें जोमैटो का जो जितना भी बिजनेस था वो 90% तक कम हो गया था, तो फिर ऑब्वियस ही बात है उनमें फाइनेंशियल दिक्कत उन्हें थी, लेकिन आईपीओ ने उन्हें बचा लिया क्योंकि उनका आईपीओ बहुत सक्सेसफुल रहा। स्विट्जरलैंड बेस्ड री इंश्योरेंस कंपनी स्विस री 920 करोड़ के 23% स्टेक पेटीएम में खरीदेगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।